अच्छा, गन्ने से हमने अपना ही गुड़ प्लांट लगाया हुआ है, उसी में हम अपना जो है शुद्ध प्राकृतिक गुड़ बनाते हैं। 17-18 तरह का गुड़ हम यहाँ पे बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के किसान सुनील सोम आज प्राकृतिक तरीके से 17 प्रकार के गुड़ बनाते हैं। आज केमिकल वाली खेती के कारण बढ़ती बीमारियां हम सभी के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, इसलिए सुनील सोम ने 7 साल पहले प्राकृतिक खेती को अपनाया। दाल हो या सब्जी, वो अपने खेत में हर तरह के उत्पादों की खेती कर एक शुद्ध और स्वस्थ वातावरण बना रहे हैं। लेकिन 2017 से मैंने खेती शुरू विधिवत रूप से करना शुरू कर दिया था। हमने गन्ने की फसल पर ज़्यादा फोकस किया और गन्ने के साथ में बहुत सारी सह फसलें हैं, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गए और मिर्च हो गई। ये सारी फसलें अपने खेत में होती हैं। यानी अच्छा, गन्ने से हमने अपना ही गुड़ प्लांट लगाया हुआ है, उसी में हम अपना जो है शुद्ध प्राकृतिक गुड़ बनाते हैं। 17-18 तरह का गुड़ हम यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें शेप और साइज का और फ्लेवर का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह का होता है। विश्वास मानिए, अगर आप कभी प्राकृतिक खेती वाला गुड़ चखेंगे तो साधारण गुड़ के स्वाद को भूल ही जाएंगे। और इसलिए सुनील गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करते हैं। 10-11 किसान पार्शियली ऑर्गेनिक हो चुके हैं, यानी कि ऑर्गेनिक की तरफ को अग्रसर हैं। और सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो कर तो केमिकली खेती रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा ऑर्गेनिक का इनपुट बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जैसे कि पराली पत्ती जलाने वाले जो पहले कार्य करते थे, वे उन्होंने पूर्ण रूप से छोड़ दिए हैं। सुनील जानते हैं कि किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती करना और उसकी मार्केटिंग करना आसान काम नहीं है, इसलिए वो लोगों को फ्री में ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग और मार्केटिंग के तरीके भी बताते हैं। अगली जनरेशनों को बचाना है तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौटना ही पड़ेगा और हमें लौटना चाहिए। और किसान जब प्राकृतिक खेती करेगा, जब उपभोक्ता इस चीज को समझे, किसानों के द्वार पर जाएं, किसानों को सम्मान दें। तो अगर आप भी प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो सुनील सोम को इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।